जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था, तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली, तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहां से उड़ गया कालू भैया। तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके दो बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कौन सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा तो ये सब हुआ था? बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सब को जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहां से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वो देखो, अपना शिकार हमारी तरफ खुद चल कर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाने का मजा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है,
उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है। लाडो चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ वो निडर भी थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला लिया। जी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी, अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लाडो के मन में एक आइडिया आ जाती है। मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से ही किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या, ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक चील है। मैंने जन्म भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपने बीवी को खाना चाहेगा जो जंगल में बाकी सारे इतने पंछी हैं? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो हम देख लेंगे उसको। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में, जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खाया था। लाडो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील उल्लू के साथ साथ पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको, अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ, जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। लाडो चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरी तरफ चलकर आ गया है। लगता है आज भी मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ लूट गया है। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाडो की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को लाडो की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका हाथ से गवाना नहीं चाहा। हाँ हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाडो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी पंछियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, तने तो मौज ही कर दी, तनिक रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ सुलूक करते हैं? अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा, नहीं तो तने यहीं पर ही खोल देंगे। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहां से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाडो दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया, ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गई।
लाडू चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा तो उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाड़ो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तो तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहां से निकाल कर अपने घोंसले में लेकर आया। चलो, बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाडो कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू मामा नहीं होते तो क्या होता? कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।